क्यों हम टैपर्ड मैग्नेट यूज करते हैं, फ्लैट मैग्नेट क्यों नहीं यूज करते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर डिजाइन करते हैं? तो आपको पता है वोल्टमीटर कैसे यूज होता है सर्किट में, कैसे यूज होता है एमिटर सर्किट में? आपको यह भी पता है क्या कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ता है, या उल्टा, क्या हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है क्या? अगर आपको नहीं पता ये सब तो आज की वीडियो आखिरी तक देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? आज हम अपने कार्यक्रम का 18वां दिन लेके आए। कौन से कार्यक्रम का? 90 डेज 90 शॉर्ट ट्रिक। क्या सीखेंगे आज? उससे पहले कल क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे कल कोलिजन। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, सर कोलिजन पढ़ा दो प्लीज, बहुत सारा डाउट है उसमें। तो जो गुजराती बच्चे हैं, जो आयुष है, इन सब बच्चों के लिए हम कल कोलिजन लेके आएंगे, ठीक है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कल की वीडियो कोलिजन पर होगी। तो आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर के साथ साथ उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसे उसको हम वोल्टमीटर और एमीटर जैसा यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्यों कल का नोटिफिकेशन भी आएगा फटाफट और सीखते रहोगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फिर हम गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास टैपर्ड परमानेंट मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। टैपर्ड क्यों यूज किया अभी बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे पास आर्मेचर है, इसमें एक क्वाइल है, ऐसे ये क्वाइल है, और यहाँ पर हमने स्प्रिंग यूज की है। स्प्रिंग क्यों यूज की है? स्प्रिंग इसलिए यूज की है कि इसको हम रिस्टोर कर सके इसकी अपनी पोजिशन में। यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है? यहाँ पे एक इंडिकेटर हमने लगाया है, ये इंडिकेटर क्या है, ऐसे ये बताता है कि कहां पे कितना डिफ्लेक्शन अभी है। अब यहां से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है, टैपर्ड है इसलिए रेडियल फील्ड निकलेगी। ऐसा इसकी टैपरिंग की जाती है कि रेडियल फील्ड निकले। रेडियल रेडियल बहुत कर रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों रेडियल ही निकले। यहाँ इस रीजन में इसका मतलब परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लग गई है। अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक क्वाइल है, इस क्वाइल में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इस तरफ से, ठीक है? तो अगर आप देखो, अगर ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो इसका एक डायपोल मोमेंट होगा और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लो हमने लगा रखा है। तो अगर ये ऐसे करंट फ्लो कराएगा, ये ऐसे ऐसे क्वाइल है, अगर ऐसे फ्लो कराता तो बाहर तरफ होता ऐसे, लेकिन ये ऐसे फ्लो कराता तो नीचे की तरफ होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट मान लो नीचे की तरफ है m, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। टॉर्क कितना लगेगा, mb sin थीटा। m क्या होता है, m होता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट लिखा जाता है i टाइम्स ऑफ a, किसका, एक क्वाइल का, एक क्वाइल का m is equal to ia हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर मान लो कई सारी क्वाइल्स हो, ऐसे कई सारी क्वाइल हो, तो इसको हम n कर देते हैं, क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n i a b sin थीटा, ऐसे हो जाएगा। अभी थीटा क्या, थीटा है डायपोल मोमेंट और b के बीच का एंगल। अगर मैं ऐसा मैग्नेट यूज करता, फ्लैट फेस का मैग्नेट यूज करता, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, ऐसे होती। और क्वाइल अगर ऐसे रखी होती, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे रखा, इस तरह से ऐसे रखा होता, तो उस समय ये थीटा एंगल बनाता। अगर ऐसे जाता तो थीटा एंगल 90 हो जाता, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाती, और क्वाइल अगर ऐसे जाती तो इसका डायपोल मोमेंट इधर तरफ आता, नहीं आता, तो यहाँ पे क्या बनता, एंगल 90 बनता। इन सब केसेस में क्या हो जाता, हर बार देखो अलग अलग एंगल पे अलग अलग थीटा, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग थीटा आता। तो थीटा बड़ा प्रॉब्लम करता, क्यों प्रॉब्लम करता अभी और आपको समझ में आएगा। तो टॉर्क, ये जो टॉर्क है, ये बैलेंस किससे हो रहा है, ये स्प्रिंग जो यूज की गई, इसकी स्टिफनेस है सी, तो सी फाई इसकी स्टिफनेस हो गई, मतलब सी इसका स्टिफनेस हो गया, फाई इसका ट्विस्टिंग हो गया, जैसे खिलौने वाली चाबी में नहीं करते ट्विस्ट वैसा, तो सी फाई आ गया इसमें नेट रिस्टोरिंग टॉर्क। ये नेट रिस्टोरिंग टॉर्क क्या जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा इसमें एन ए बी डिवाइड बाई सी आई साइन थीटा हो जाएगा। n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, बदल रहा है i, बदल रहा है थीटा। अगर मैं i बदलूंगा तो ये अलग अलग एंगल पे जाके ट्विस्ट होगा, अगर मैं c बदलूंगा, मतलब अगर मैं थीटा बदलूंगा, मतलब थीटा मैं क्या बदलूंगा, ये घूमेगा तो खुद ही थीटा बदल जाएगा, तब अलग अलग फाई की वैल्यू आएगी। मतलब फाई जो है वो प्रोपोर्शनल i के भी है और प्रोपोर्शनल साइन थीटा के भी है। तो अब साइन i के प्रोपोर्शनल होता तो ठीक था, क्यों, i
वन एम्पियर होता तो कुछ और होता, टू एम्पियर होता तो दो गुना आ जाता, तीन एम्पियर होता तीन गुना आ जाता फाइव। लेकिन साइन थीटा तो एक नॉन लीनियर वेरिएशन शो करता ऐसे, तो यहाँ पे जो स्केल होती वो नॉन लीनियर डिज़ाइन करनी पड़ती, तो वो देखने में बड़ा अटपटा लगता और समझने में दिक्कत लगता, इसलिए मुझे इस साइन थीटा को हटाना है। अब फ्लैट यूज़ करते तो साइन थीटा रहता, लेकिन मैंने यहाँ टैपर्ड यूज़ किया है। टैपर्ड यूज़ किया, इसको ऐसा बनाया है कि रेडियल फील्ड पैदा करे, रेडियल फील्ड पैदा करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। साइन थीटा हर जगह आप क्या कर देंगे, हम लोग वन कर देंगे। तो अब जैसे साइन थीटा वन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो अब साइन थीटा से प्रोपोर्शनलिटी नहीं रह गया, तो फाई जो है आई पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, समझ आया। इसीलिए टैपर्ड यूज करते हैं, टैपरिंग इसीलिए करते हैं, ना करते तो प्रॉब्लम हो जाता। अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब फाई आई के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये बाकी चीजें क्या है, बाकी चीजें कौन, जैसे ये लिखा है हमने, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ये जाएगा एन ए बी डिवाइड बाई सी, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को। इसी का उल्टा होता है फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट होता है सी डिवाइड बाई एन ए बी, मतलब इनवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी कहलाता है फिगर ऑफ मेरिट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब कौन सा वोल्टेज जो इस आर्मेचर के अक्रॉस लगा हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई आई और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। आर्मेचर मतलब जो क्वाइल है, इस क्वाइल का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई आई आर ए। अब यहाँ आई क्या है, करंट है, आर ए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ वी एस लिखूंगा तो ये देखा जाए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी हो गया एन ए बी डिवाइड बाई सी आर ए। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं ये जो डिफ्लेक्शन पर यूनिट आपने लिखा है वोल्टेज, मतलब ये तो करंट सेंसिटिविटी का इनवर्स, मतलब करंट सेंसिटिविटी हो गया डिवाइड बाई आर ए कर दिया है। हाँ किया तो वैसे ही है, मतलब जब हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, इस टर्म को बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमारा बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा हमेशा, लेकिन नहीं, मतलब ये अगर आप बी बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अगर आप ए बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ए ए फॉर एरिया ऑफ आर्मेचर, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। सी स्टिफनेस कम कर दोगे, लूज कर दोगे स्प्रिंग, ढीली वाली स्प्रिंग यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। क्यों, एक क्वाइल का रेजिस्टेंस अगर आर ए है तो 10 क्वाइल का 10 आर ए हो जाएगा, तो यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, तो कैंसिल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कभी पूछे कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ता है, तो बोल दो हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक। कौन सा कभी, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो नहीं बढ़ता, कौन, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कौन बढ़ता है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। तो ये अगर हम ए बी और सी को चेंज करें तो होगा, हाँ होगा, ठीक, तब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न करने से चेंज, नंबर ऑफ टर्न चेंज करने से करंट सेंसिटिविटी में चेंज आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर। तो ये तो था हमारा बेसिक वर्किंग क्या है, इस गैल्वेनोमीटर का, ठीक। इसी में एक बहुत धांसु क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछा गया है, जे मेन्स में पूछा जा सकता है, अगर अच्छा पेपर आया तो नीट में भी पूछा जा सकता है। क्या पता है, इसको ऑन करके छोड़ा है, ऑन क्या, ऑफ कर दिया, मतलब डीटी सेकंड के लिए इसको ऑन किया उसके बाद ऑफ कर दिया, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका कितना होगा, समझे। मतलब जैसे आप स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर देते हो ना तुरंत, तब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, उस समय जो चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट में वो फ्लो हुआ है क्यू नॉट, ऑन करके ऑफ किया है सर्किट को और इसमें चार्ज फ्लो हुआ है क्यू नॉट, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। वीडियो पॉज करके दो मिनट सोचो क्या है ये, फिर से बताऊं, मैंने इसको ऑन किया है, ऑफ कर दिया है तुरंत, तो मैंने क्या पूछा है कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ, और जब ऑन करके ऑफ किया उस दौरान क्यू नॉट चार्ज फ्लो हो गया सर्किट में, तो सोचो। अब हम बताएं क्या हुआ होगा, जैसे ही ऑन करोगे करंट गया होगा, करंट गया होगा तो यहां पे टॉर्क लगा हो, टॉर्क से ये घूम जाएगा, ठीक, घूमेगा तो कहां तक जाएगा ये देखना है,
तो स्प्रिंग ब्लॉक लगा है उसको ऐसे छोड़ दो, तो स्प्रिंग ब्लॉक लगा तो ऐसे एक बार ऐसे लाना होता है, एक अलग केस होता है, ऐसे पकड़े छोड़ देना होता है। तो ऐसे लाओगे तो जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में होगा वहीं आके रुकेगा, लेकिन ऐसे लाके ऐसे छोड़ दोगे तो क्या जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा, फिर वो ऐसे ऐसे हिलेगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जाएगा, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वैसे ही ये कहाँ पे जाके रुकेगा, जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, सारी सारी एनर्जी किसमें बदल जाए, इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाए। ठीक ठीक है। तो जब ऑन किए थे तो उसको कुछ इंपल्स मिला था, कितना इंपल्स मिला था, एंगुलर इंपल्स मिला था, टॉर्क टाइम्स ऑफ डीटी एंगुलर इंपल्स मिला था, ये एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मैंने एल यहां लिख दिया। टॉर्क कितना लगा था, एन आई ए बी, साइन थीटा तो वन ही रहेगा यहां पे, इतना टॉर्क लगा था, इसको हमने डीटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना एंगुलर इंपल्स इसको मिला शुरू शुरू में। आई डीटी ही होता है चार्ज, तो एन ए बी क्यू नॉट, इतना चार्ज लगा था, ये इतना इसको एंगुलर मोमेंटम शुरू शुरू में मिल गया था, किसको, इस क्वाइल को। ठीक है, तो इसी एंगुलर मोमेंटम को ये इस्तेमाल करेगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू आई, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जैसे पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर को ही पी स्क्वायर बाई टू एम लिखते हैं, वैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर बाई टू आई, ये एल स्क्वायर बाई टू आई हो जाएगा इसका, ये और ये किसके बराबर हो जाए, हाफ सी फाई नॉट स्क्वायर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो फाई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी, एल स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी का रूट ओवर। तो एल की वैल्यू तुमने निकाली रखी है क्या, एन ए बी क्यू नॉट का स्क्वायर, तो ये बाहर हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट ओवर आई सी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी तुम्हारा स्टिफनेस, ये आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाई नॉट। ठीक है, ये इतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, क्यों, इसमें रोटेशन का भी कंसेप्ट यूज़ हो गया, इसमें मोमेंटम ओमेंटम जो भी है, प्लस एनर्जी का कंसेप्ट भी यूज़ हो गया, प्लस गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल भी यूज़ हो गया। ठीक, तो कई सारी चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, एंगुलर मोमेंटम का भी है, एनर्जी का भी कंसेप्ट है और गैल्वेनोमीटर का भी कंसेप्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, कैसे एज ए एमीटर यूज करते हैं। हमें गैल्वेनोमीटर को एज ए करंट मेजर करने के लिए यूज करना है तो कैसे लगाना होगा सर्किट में, ऐसा लगाओ कि जो करंट जा रहा था सर्किट से वही गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी जाए। तो जैसे अगर मान लो मुझे इस ब्रांच में यहां पर करंट मेजर करना है तो कैसे लगाएं इसको, अगर यहां करंट मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर को यहीं कनेक्ट कर देना होगा यहां पे कनेक्ट कर देना होगा। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है ऐसा, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है और ये उसका रेजिस्टेंस शो किया जाता है RG, ये ऐसे सिंबल यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर, मैंने वहां बताया नहीं था लेकिन अब जान लो आप, ऐसा सिंबल होता है ये। अब ये मेजर कर रहा है क्या, करंट, क्योंकि जितना करंट यहां जाएगा इसमें जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, अभी तो खाली ये तीन रेजिस्टेंस ही पिक्चर में आ रहे थे, इन्हीं की नेट रेजिस्टेंस की वजह से करंट जा रहा था, अब इसके आने की वजह से क्या हो जाएगा, करंट तो बदल ही जाएगा सर्किट में, बिल्कुल नो डाउट, नहीं बदलेगा। तो क्या करें, हम इस रेजिस्टेंस को ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि इसके रहने से कोई फर्क ना पड़े, मतलब आरजी इज वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, मतलब कितना, आरजी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब आइडियली क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो लिया जाता है। ठीक है, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, अब ये करंट मेजर करेगा। ठीक, तो एमीटर को अगर मतलब इसको गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर यूज करना है तो सीरीज में यूज करते हैं और इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा लेते हैं। ठीक, अब एक बात और, अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर था ऐसे, ये आरजी था, इसको पता था कि यार मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता हूं आईजी पर, मतलब मान लो कि 1 mA करंट ड्रॉ कराया गया इसके थ्रू, तो बोलेगा ये मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला गया, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने कहा नहीं इसमें से मेजर करो 100 mA, तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर को तो यही कहेगा, गैल्वेनोमीटर कहेगा भैया मैं तो 1 mA पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता हूं, तुम्हारे दोस्त ने कहा नहीं 100 मेजर कराओ, तो तुमने क्या जुगाड़ किया पता है, तुमने कहा एक काम करते हैं मैं एक लगा देता हूं यहां पर शंट रेजिस्टेंस, क्या लगा देता हूं, शंट रेजिस्टेंस,
अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा ये ना कि गैल्वेनोमीटर भी खुश रहेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। वो कैसे? गैल्वेनोमीटर इसलिए खुश रहेगा, गैल्वेनोमीटर कहेगा यार मैं जब आईजी आएगा तभी पूरा हिलूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, 100 मिली एम्पियर, मतलब मान लो कह रहे हैं आईजी था, कह रहा 100 आईजी, मतलब पहले आईजी था, अब मान लो एन टाइम्स ऑफ आईजी हमें मेजर कराना है, तो तुम्हारा दोस्त कह रहा है एन टाइम्स ऑफ आईजी मेजर कराओ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां एन टाइम्स ऑफ आईजी करंट डालूंगा तो उस समय यहां पे एन माइनस वन आईजी चला जाए। अभी एन माइनस वन आईजी हो जाएगा, यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कैसे चला जाएगा, और यहां पे अभी भी आईजी जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को लगेगा कि आईजी अभी आ रहा है मेरे पास, और तुम्हारे दोस्त को लगेगा कि एन आईजी जा रहा है, और काम भी हो जाएगा। क्यों? फिर आईजी पे क्या होगा, जब आईजी डालोगे तो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। फिर से कैसे बढ़ जाएगा, यहां पे कुछ कम जाएगा, यहां पे ज्यादा जाएगा, और क्या, ठीक है। मतलब यहां पे आईजी डालोगे तो यहां पे कुछ कम जाएगा करंट, और यहां पे बाकी यहां चला जाएगा। तो इसको क्या लगेगा, अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन थोड़ा देगा आईजी के लिए, जैसे ये दे रहा था कुछ कम देगा डिफ्लेक्शन, ये अब देगा कब, जब यहां एन आईजी डालोगे तब इसके अंदर आईजी आएगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रखा है। इस रेजिस्टेंस के कमाल से यहां करंट बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाएगा, आईजी आरजी इज इक्वल टू एन माइनस वन आईजी आरएस। तो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आरजी डिवाइड बाय एन माइनस वन। इतना छोटा अगर रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो इस सर्किट के पैरेलल में तो काम बन जाए। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को हाई रेंज का एमिटर बनाना है तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो इतने अमाउंट का, इतना कितना, आरजी डिवाइड बाय एन माइनस वन टाइम्स का। क्या हुआ, क्या समझे, आईजी पे ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता था, अभी आईजी पे ही देगा फुल स्केल रिफ्लेक्शन, इसको ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा शंट कर रखा है तो बाकी करंट इधर चला गया, ठीक ऐसा आ गया। तो अब जो है ये सिस्टमैटिक डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, कैसा, ये अमीटर बन जाएगा और इसका रेजिस्टेंस आर ए हो जाएगा ऐसा, ठीक। और आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर ए की जो वैल्यू आएगी आर जी आर एस डिवाइड बाई आर एस आर जी, ये इतना हो जाएगा, ठीक। ये अमीटर बन जाएगा, हाई रेंज का अमीटर बन जाएगा। तो अमीटर कैसे यूज होता है, अमीटर या गैल्वेनोमीटर को अगर करंट मेजर कराना होता है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हाई रेंज का बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, कितना, जितना टाइम्स ज्यादा करंट मेजर कराना हो उसे एन माइनस वन टाइम्स छोटा रेजिस्टेंस लगा के, क्लियर। गैल्वेनोमीटर को से वोल्टेज मेजर करना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे यहां वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस चाहिए ना, तो इसके अक्रॉस कनेक्ट करो आप ऐसे। अब ये वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर से अगर आपको वोल्टेज मेजर कराना है तो उसको जिस जगह पे वोल्टेज मेजर कराना है उसके अक्रॉस कनेक्ट करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, पहले करंट ऐसे जा रहा था तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कुछ आता, लेकिन अब इसको कनेक्ट कर दिया तो कुछ करंट यहां चला जाएगा इस तरफ, तो पहले से तो डिफरेंट वोल्टेज आ जाएगा ना यहां पर, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो क्या करो, कुछ ऐसा करो कि यहां ज्यादा करंट ड्राइव ना हो, हो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइप की हो। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। सो आरजी की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी ली जाती है, मतलब आइडियली। प्रैक्टिकली क्या होता है ये बता देता हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस अगर ओम्स में होता है इन सबका तो इसका रेजिस्टेंस मेगा ओम या किलो ओम में होता है। तो गैल्वेनोमीटर अगर वोल्ट मीटर जैसा यूज किया जाता है तो वो बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है, सर्किट के पैरेलल में यूज होता है। अब ये वोल्टेज आसानी से मेजर कर लेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो फिर से वही प्रॉब्लम, रेंज बढ़ानी हो, तो आपके दोस्त ने कहा कि जो है इसको यूज करके आप इतना वोल्टेज मेजर करते हैं फुल स्केल रिफ्लेक्शन में, जब इसमें आईजी करंट जा रही होगी, बहुत छोटी करंट जा रही होगी, तब आपके दोस्त ने कहा मुझे जो है एन टाइम्स ऑफ वीजी चाहिए, मतलब पहले 1 मिली वोल्ट पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा था, अब आपके दोस्त ने जबरदस्ती कहा मुझे 100 मिली वोल्ट पे चाहिए। तो ठीक है, फिर कंफ्यूज कर दो कि आईजी करंट अभी भी फ्लो होगा लेकिन टोटल वोल्टेज हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ वीजी। कैसे, यहां पे वीजी ड्रॉप आएगा और यहां पे एन माइनस वन वीजी ड्रॉप आएगा, समझाया, मतलब यहां पे वीजी ड्रॉप होगा, बाकी सारा का सारा ड्रॉप इस तरफ आ जाएगा, और फिर ये
क्या लगेगा आपको, ओवरऑल लगेगा कि ये ज़्यादा मेजर कर रहा, मतलब इसी के आगे यहाँ पे एक सीरीज में ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना था। तो क्या हो जाएगा, एन वी जी इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू आर एस, और वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जी इंटू आर जी। सो आर एस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एन माइनस वन आर जी। मतलब अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस का, ज़्यादा मतलब वोल्टेज का मेजरमेंट कराना है, तो आप एक रेजिस्टेंस n माइनस वन टाइम्स ऑफ आर जी इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो ज़्यादा वोल्टेज मेजर करने लग जाएगा। ऐसा क्लियर हो रहा ही नहीं हो रहा, मतलब अगर इस सेटअप को देखा जाए तो ये वोल्ट मीटर जैसा बनेगा और ये इसका रेजिस्टेंस आएगा आर वी ऐसा, और आर वी वैल्यू क्या जाएगी आर जी प्लस आर एस। ये सिंपल। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को ऐसा मीटर बनाना है, तो कैसे यूज करना है, पैरेलल में यूज कर लो, तो वोल्टेज मेजर करेगा, हाई ज्यादा रेजिस्टेंस का रखो इसको, एमीटर बनाना है तो इसका रेजिस्टेंस छोटा सेलेक्ट करो और इसको सीरीज में कनेक्ट करो। ज्यादा रेंज बढ़ानी है तो क्या करो, अगर आपको वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, कितना एन माइनस वन टाइम का आरजी का, अगर आपको उसको हाई रेंज का एमीटर बनाना है तो पैरेलल में। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप कर ही लोगे, तो जो भी कोई किताब आपके पास अवेलेबल हो, पुराने 10 साल 15 साल के जो पेपर हो, स्कूल के पेपर हो, कहीं से भी आप ढूंढ ढूंढ सारे क्वेश्चन कर लो। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां कहीं भेजना हो भेज सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।